દૈડાન રામ રામ ને સીતારામ, કેમ મજામાં? દૈરો બધી અમી પણ એકદમ મજામાં. ને બસ જો જૂનાગઢ છે રૂપાયતનમાં, અને જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું કે નેશનલ બાલભવનનો કાર્યક્રમ છે કે પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત અને પર્યાવરણ બચાવો, તો જેટલી પણ બાળભવનમાંથી ટીમ આવી ને એ બધાએ કંઈક મોડેલિંગ બનાવ્યું છે પ્લાસ્ટિકનું, બરાબર. તો એનું અત્યારે પ્રેઝન્ટેશન છે, તો જઈએ એ બાજુ. અને પછી એને હે ને ઇનામ પણ આપવાના છે, જો નંબર પ્રાપ્ત થાય ને એને. ત્રણ ચાર વિષય છે, નાટક પર છે, ચિત્ર સ્પર્ધા છે અને પ્રેઝન્ટેશન. એમાં જેનો નંબર આવશે ને એને ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ ત્રણ પ્રાઇઝ આપવાના છે. અહીંયા કાર્યક્રમ ચાલુ થઈ ગયો છે અને બે જજ છે આપણે અહીંયા, જે ટીમને નંબર આપવાનો અને ઇનામ આપવાનું છે, બરોબર. જેનું બેસ્ટ હશે ને એને, એટલા માટે જજ આવ્યા. नमस्कार, मेरा नाम मानसी कुमारी है और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं प्रिंस और आर्यन. तो हम सब किलकारी बिहार बालभवन से आए हैं और हम यहाँ एक केस स्टडी रिप्रेजेंट करेंगे जिसका थीम है बिग प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आगे बताएंगे. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा प्लास्टिक क्या होता है. तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो कि पॉलीमर से बना रहता है. ये 20th सेंचुरी में सब खोज हुआ था और इसकी वर्षगांठ के कारण ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और हमारे हर लोकैलिटी में हर जगह पाया जाने लगा. ये क्योंकि एक नॉन मटेरियल मटेरियल है, ये हमारे नेचर में नहीं मिल पाता जिसके कारण हमारे नेचर को पॉल्यूट करता है. ये कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है. अब जैसे देख सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के टॉप पे या बॉटम पे या फिर लेवल पे ये लोगो रहते हैं. ये लोगो डिनोट करते हैं कि वो कितनी बार रिसाइकल हो सकते हैं. और प्लास्टिक पॉल्यूशन खुद में एक चैलेंज है क्योंकि ये ऐसा नहीं क्या यहाँ पे वहां पे, पूरा ग्लोबल पॉल्यूटेड है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है. और देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो मरीन लाइफ को, हमें और जानवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है. जो प्लास्टिक का रिसाइकल यूनिट होता है वो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली भी बहुत हाई होता है और उसके लिए स्किल पर्सन की जरूरत पड़ती है. और इसका एक और कारण ये है कि लोग उतने अवेयर नहीं है प्लास्टिक को लेकर. प्लास्टिक का यूज तो कर लेते हैं बट उसको सही से मैनेज नहीं करता. प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक मैनेज नहीं हो पाया वो प्रॉब्लम है. और ये कुछ हमारे के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो कि हमारे किचन से लेकर वॉशरूम तक कर गया है. इन सब चीजों को देखकर गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए जैसे कि 12 अप्रैल 2023 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया. लेकिन दिल्ली बाल भवन वाला जाए छे आ एनो प्रोजेक्ट લઈને. પાયતન બાલ ભવન છે આજ હવે જીકે બાદ પાયતન રહેગા તો ત્યાં રહેના और પાયતન કે બાદ મંત્રા અભિવા કે બાદ કાકા જી મેરા ચાંદા के बाद पायतन से पहले प्रकृति मित्रा से हमारे गेस्ट हैं राम बहन मैम के साथ उनका प्रेजेंटेशन लगेगा दिल्ली के बाद. उसके बाद फिर हम आगे कोई बाहर नहीं जाएगा, अभी यही रहेंगे, अभी कहीं नहीं जाना. इशारा करते हैं Thank you.
नमस्कार, मैं दिशा। मैं राखी। मैं अभिषेक। हम राष्ट्रीय बाल भवन के पंच अध्यक्ष आपके समक्ष एक केस स्टडी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी चोजन केस स्टडी का टॉपिक है प्लास्टिक इन फूड इंडस्ट्री। प्लास्टिक इज अ ग्लोबल कंसर्न। प्लास्टिक एक ग्लोबल कंसर्न है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इससे एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होती है। અત્યારે જેટલા પણ બાલ ભવન છે અને જેટલા બાળકો અને એસ્કોર્ટ બધાને ચકલી બચાવો અભિયાન માટે નાના ઘર છે એની મૂવમેન્ટો આપે છે। મથુરા ચાચા નેહરુ બાલ ભવન એ આંધ્રપ્રદેશ બગસરા બાલ ભવન જૈન બાલ ભવન ભૂલે બાલ ભવન સોસાયટી બેંગ્લોર